जितने भी यहाँ पर भाई बंधु और मेरी बहनें आई हैं, बच्चे आए हैं, आप सभी को मेरी तरफ से, एक पंजाबी की तरफ से सारे नु सत श्री अकाल नमस्ते। जितने भी मोबाइल जहाँ पर है सभी मेरी तरफ कर ले, आपका बेनिफिट होगा इससे। और दूसरी बात, आप लोग को सभी को मालूम होगा कि पंजाब में जो एक पंजाब के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग आज किसानों के लिए, खेती बिलों के लिए दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं, मालूम है ना, सभी को मालूम है, संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा किसान अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है या फिर उसका कोई अपना निजी फायदा होगा। मैं आपको बताने आया हूँ यहाँ आगरा ताजमहल के सामने कि हमारा निजी फैसला नहीं, हमारा निजी स्वार्थ नहीं है कि किसान की जमीन जाएगी। इससे क्या होगा, ये अगर ये काले कानून आ गए तो सभी का नुकसान होगा, चाहे वो खेती के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। मगर हम सब अन्न तो खाते हैं ना, आप सभी को मालूम है कि जो कॉर्पोरेट कराने होते हैं ये हमेशा महंगी चीज देते हैं, सभी को महंगी से महंगी चीज बनाकर देते हैं, एक रुपए की चीज को 50 में कर देते हैं। जो चीज आज आपको 5 या 10 रुपए में मिलती है, जो सब्जी आज मंडी में 2-3 रुपए 5 रुपए में बिक रही है, वो आप तरफ जब आती है, आज आती है तो 25-30 रुपए के लोग रेडी वाला फड़ी वाला लेता है ना। तो आने वाले समय में ये कम से कम 150-200 रुपए किलो हो जाएगी, ये समझ लो, अब इससे भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 150-200 रुपए किलो तो आज भी जो शोरूम बने हुए हैं इनके, जो मॉल बने हुए हैं उनमें आज भी 150-200 रुपए किलो बिकती है इनकी सब्जी। तो जब इनके हाथ में ही सारी खेती आ जाएगी, जब इनके जे कॉर्पोरेटर घराने वाले सारी खेती अपने हाथ में कर लेंगे जमीन, तो जे जो सब्जी बाजी है जे रेडी फड़ी पे 150-200 रुपए में वो पैक करके देंगे कि आप इस कम से कम 150 रुपए में आपने बेचनी है, रेडी फड़ी वाला लेके आएगा। तो जब ये शोरूम में जो रख के बेचेंगे तो 5-5, 6-6 रुपए 1000-1000 रुपए किलो मिलेगी। भाई साहब सब चीजें तो प्राइवेट हो रही है, जब प्राइवेट हो रही है तो नौकरी तो 10-10 हजार 12-12 हजार तनख्वाह पर रख रहे हैं लोग, तो हमारा तो गुजारा अब नहीं हो रहा, तो 10-12 हजार वाले का 1000-500 रुपए किलो सब्जी लेकर कहां गुजारा हो जाएगा। ये बात समझ ले, ये जो संघर्ष है वो केवल किसानों का नहीं है, वो संघर्ष आप सब ग्राहक लोगों का भी है। तो आप ये अगर उस संघर्ष में नहीं जा सकते कोई बात नहीं भाई, मगर जहां पर भी बैठे हैं उसके लिए तो आप हमारी सहयोग दे सकते हैं, आप हमारा साथ दे सकते हैं कि किसान सही बोल रहे हैं। मैं आपको पंजाब की पोजीशन का सबको मालूम होगा, मैं बता देता हूं, पंजाब एक खुशहाल सूबा है, वहां पर एका भाईचारा बहुत ज्यादा है, हर गांव में हर घर का बच्चा है जो वो विदेशों में सेट है, किसी के पास कीला 2 कीला 4 कीला जितना भी खेती है कम से कम वो है। मगर ये कल को काले कानून लग भी जाते हैं तो पंजाब का उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जमीन है, मुझे सिर्फ एक नून नमक और एक चाय पत्ती खरीदनी पड़ेगी, मैं खेत वाला हूं, बाकी सब चीजें मैं अपने खेत में उगा लूंगा। आप कहां उगाओगे, शहर जो शहर के वासी हैं जिनके पास जमीन है नहीं वो कहां उगाएंगे, ये सोचो। इसलिए ये संघर्ष ग्राहक का है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, हमारे बच्चे विदेशों में बैठे हैं, हर घर का बच्चा देशों विदेशों में बसा हुआ, आपको मालूम है कि पंजाबी सबसे ज्यादा कनेडा अमेरिका बैठे हैं, तो हमारे बच्चे हमें पैसे भेज देंगे कल को जी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, हम नहीं जाएंगे तो हम भी उनके पीछे चल जाएंगे, हम तो जा ही रहे हैं, पहले ही कूच कर रहे हैं, जहां हमारे कॉलेजों में दाखिले नहीं हो रहे, हमारे बच्चे आईलेट करके विदेश जा रहे हैं, हमारा कीला 2 कीला जितना बिकता है बेच के हम भी विदेश भाग जाएंगे। भाई साहब आप कहां भागोगे, जिन्हों के मन में है ये समझ लो, ये ग्राहक का कल्ले आपने किसान का मुद्दा नहीं, ये आपकी आप सबका जो ग्राहक है उसका भी मुद्दा है, हम आपके लिए लड़ रहे हैं,
तो आज जहां पर भी बैठे हैं वहां हमारी आवाज को उठाएं, ताकि जो जो ये काले कानून है ये सच्ची वापस हो जाए। हमें आतंकवादी बोला जा रहा है, है? हमारे हाथ में आपने कभी 1.5 महीने से हो गया हमें दिल्ली बैठे को, है? एक भी आपने हिंसा देखी? जितनी भी शैतानी करते हैं वो लोग हमारे बीच आकर शैतानी करने की कोशिश करते हैं, वो जी मीडिया वाले या दूसरे केड़ा रिपब्लिक जेड़ा टीवी है वो क्या करते हैं, अपनी लड़कियों को जो बेचारी नौकरी करती हैं उनको आगे कर रहे हैं। जाओ किसान अनपढ़ है उनसे कुछ भी उगला लो बुला लो बोल देगा, है? मगर हमें मालूम है कौन से गदार चैनल है जो हमारे देश को सिर्फ बर्बादी हिंदू धर्म मुसलमान ये जिसमें बांटना चाहते हैं। हमें अब कोई भी बांटेगा नहीं, बांट नहीं सकता। हम उनको इंटरव्यू नहीं देते, है? फिर वो क्या करते हैं हमारे बीच बचती हैं लड़कियां, हमें ऐसे ऐसे पकड़ती हैं भी टीवी वाला इस तरफ से शूट कर लेगा तो उसको पता चले जाएगा कि इसने बाबे ने शायद उसको हाथ लगा दिया, फिर वो रौला पाएगी, रौला पाऊंगी हो बहुत, पर कोई छोड़ता ही नहीं क्योंकि किसी को कह ही नहीं, कोई उन्हें आ नहीं। असं कहने भैन मेरी है हाथ जोड़ दे तेरे मूहे, तू इतों जा, सानू नहीं लोड़ तेरी, तेरी न्यूज़ सानू पता भी तू की बुलानी आ, तै की बुलानी है सानू सारा पता, इस करके असं उन्होंने इंटरव्यू नहीं देंगे। फिर वो अपने वालों कोशिशा करते हैं उत्थे गलत बंदे बो बाड़ बाड़ के भी असं उन्होंने किसी तरीके जरा भी आंदोलन इनू खत्म किमें कर दी, इनू बर्बाद किमें कर दी, उन्होंने कोशिश आ। पर जिमें कहते हैं असं उत्थे उस पातशाह की कृपा नाल बैठे हाँ, उन्होंने सानू निम्रता सादगी भाईचारक जी सांझ सानू उन्होंने दत्ती है बख्शी आ, सानू उपरों मालक की कृपा साढ़े ते, असी किसी भी तरीके का जबकि तुहानू सारयां नू पता भी सूरमा जिहड़े पंजाबी हुंदे ने किड्डे दलेर लोग हुंदे ने, जेकर असी अपनी आई ते आ जाईए असी दिल्ली अज हिला दईए, पर ना भरा मेरे वो क्यों दिल्ली के बैठे भी साढ़े लोग ने जिहड़े लीडर ने साढ़े ने, एक इनू ऐ लगी जाता भी सिर्फ बीजेपी का भी मैं कला लीडर सिर्फ बीजेपी का, वो यार तू सारे देशों का बी लीडर बन, कले का ना बन, क्योंकि तू कले का लीडर नहीं बीजेपी का लीडर नहीं है, तेन सब ने एक एक करके वोट पाई आ, तू सब का लीडर बन, तू साडी भी सुन, तू कला ही बीजेपी का लीडर बन के बह गया यार, सारे लखा लोग करोड़ा लोग। कल तुम देखा होना ट्रैक्टर का सारा प्रदर्शन होया, वीडियो तो थोड़े तक पहुंची होगी कि नहीं पहुंची होगी आगरे वाले को, तो जाके खबर तुम इतने आगरे हो या बाहरों भी आए हो क्योंकि आगरे वाले होंगे इतने घूमन आते, यदा मतलब तुम सारे जने अलग अलग स्टेटा तो आए होंगे, तो तुम वीडियो देखे होना साढ़े लखा ट्रैक्टर दिल्ली के आले दुआले घूमे ने। जे अगर 26 जनवरी इन्होंने आह काला कानून 26 जनवरी तक इन्होंने साढ़े आह काले कानून बिल वापस नहीं ले, MSP से गरंटी नहीं दी भी असी हाँ MSP का कानून बनाने और MSP ते नाल MRP भी तय करना, 2 रुपए की चीज़ खरीद ली 4 रुपए की चीज़ खरीद ली पर तुहाडे तक वह 80-80 रुपए की 100-100 रुपए की चीज़ है, ये कित्थे दा इंसाफ होया भी, ये की हो गया, क्यों नहीं बाज उठाउंदे? साडे कोलों हुण उन्होंने मक्की खरीदी आ, हर स्टेट तो मक्की खरीदी गई आ, वो मक्की 800-900 रुपए किलो से ज़्यादा किसी ने नहीं खरीदी, पर कहीं से देख के जिस भी चीज में मक्की डाली है वो चीज 1000 रुपए क्विंटल है, 800 रुपए वाली 10-10 हजार रुपए क्विंटल है वो चीज जिसमें मक्की डाल दी, और 45 रुपए का आटा है, 8-9 रुपए किलो वाली मक्की उसमें 1 रुपया पिहाई 1 रुपया ट्रांसपोर्ट 2 रुपये खर्चे आए थे, 45 रुपए किलो मक्की का आटा बिक रहा है जो मक्की का आटा बरतते हैं, तो जिस चीज में मक्की वैसे क्वांटलों के हिसाब से डाली है वो 10 हजार रुपये क्वांटल बेच रहे हैं, जैसे खाद फीड होगी जिसे हमें दाना कहते हैं चारा कहते हैं या किसी और चीज़ों में डालते हैं वो हमें मिलती है, वो हमें जो मक्की का बीज मिलता है वो ये इन व्यापारी लोगों को बनाते हैं उसको पैक करके बेचते हैं, हमें बीज मिलता है, आप यकीन मानोगे हमारा 800 रुपये का मक्की का उसको पैक करके पैकेज में दे के 30 हजार रुपये किलो 30 हजार रुपए क्विंटल 30-30 हजार रुपए दे रहा है मक्की का बीज दे रहा है वो, हाँ 4 किलो की थैली होती है, हमें 1 किले में 8 किलो मक्की डालनी होती है, बोनी होती है, आप यकीन कितने की होगी वो एक मक्की 3200 रुपए की, 3200 का 8 किलो मक्की हमें 3200 रुपए की मिली है, मैंने जो 1 किले में डालनी थी मक्की
2500 की 8 किलो मक्की भैया बहुत लूट पा। तो ऐसे हमारा जो आलू है 1 किलो हमसे पिछले साल, हम इस बार की बात नहीं करता, मैं पिछले साल की बात बताता हूँ। पिछले साल जो हमारे खेतों से आलू उठाया गया 2-3 रुपए किलो उठाया गया था, मगर पूरा साल कितने में बिका? 40 से लेके 100 रुपए तक गया था आलू है। तो हमारे किसान ने जिस दिन दिया इतना ब्याज इतना हो, आलू 1 या 2 रुपए तो 1 या 10 या 20 पैसे का एक आलू होता है, इतना का आलू उससे एक पैकेट बन जाता है 20 रुपए का चिप्स में। भाई साहब समझ लो, ये ग्राहक जाग जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं ये आप सबके लिए भी मुश्किल है। आप जहां से भी हैं, जहां भी आप जाएं, हमारे किसानों के लिए हक में आप आवाज उठाएं। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ खड़े हुए, तो हम ये चाहते हैं। एक हम सारे जाने एक नारा मारेंगे, आप हमारे नारे का जवाब देना। किसान ग्राहक मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान ग्राहक मजदूर एकता जिंदाबाद, बोले सोनिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक यू जी 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 जी। बड़ा जल्द वीडियो चली आ जाओ। भाजी का नाम की है बलवीर सिंह मुश्का, बलवीर सिंह, बलवीर सिंह, बलवीर सिंह। क्या बात है, क्या बात है, प्रचार करें आज वीडियो अपने अपने पेज पे जरूर पाओ। बस फेसबुक पे डाल देना पायल, अपन लाइव गए भाजी, लाइव गए फिर तो और बढ़िया। आप यहाँ के नहीं? हाँ जी जी, अहमदाबाद जो हम चाहते हैं। तो जा जा आप मतलब जे या आप जहाँ से भी आए हैं, जहाँ जहाँ भी आप चाहें वहाँ हमारा प्रचार, ठीक है ना? हम जे चाहते हैं जी। हाँ जी, सोशल मीडिया पे कर दिया। आज बता जो आओ आओ जा आज जी होगी। हाँ जी जी आ जाओ आओ जी। थैंक यू, लव यू, लव यू, थैंक यू। केड़ी जगह तू? एमपी से हूं मैं, एमपी से। अच्छा ठीक है, बड़ा वकील है आओ एमके ग्राम में अंदर हूं। अच्छा तुझे कितना दिया जाए? ये वीडियो पे लगा, चलो ठीक है। शुक्रिया, जो चलो चलिए, देना सहयोग देना जी, बातों बात।